हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हिंदी बंगला वर्ल्ड चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की जो प्रधान ममता बनर्जी बंदोपाध्याय, उन्होंने NRC की बारे में क्या कहा है, ये मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी खबर मिला है मुझे तो ममता बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल से क्या समाचार सुनाया है NRC के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये समाचार सुनना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको करता हूँ एक रिक्वेस्ट, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह नए नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि विभाजनकारी राजनीति ने बंगाल में काम नहीं किया। ममता बनर्जी ने NRC पर अमित शाह की गितनी की अमित शाह का जिक्र की बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में विभिन्न धर्मों को लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी त्यौहार दुर्गा पूजा की मनाने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है, जो विभिन्न धर्मों को लोगों को एकजुट करता है। भाजपा के एक कार्यक्रम ने बनर्जी की टिप्पणियों पर शाह के भाषण का अनुसरण किया गया। बंगाल के लोगों को NRC के बारे में गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल में NRC के बारे में अमित शाह ने कुछ भाषण दिया था। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल में NRC के बारे में बताने अगर NRC की कुछ लोगों को डरा रहा है, ठीक है, सरकार डरा रहा है NRC के बारे में बात करके। ममता बनर्जी ने यह कहा है, ये तो मैं हिंदी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, शायद आप समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, कहाँ आया था, NRC के बारे में गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। एसटी संवाददाता द्वारा नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा है कि बंगाल के लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के बारे में गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ राज्य के लोगों को आगाह किया और कहा है कि यह राज्य ये काम नहीं करेगा। हर कोई हमारे राज्यों में स्वागत करता है और हमारे लोगों को अतिथि का आनंद लेता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सब लोग एक साथ रहता है और दुर्गा पूजा का जो तैयार है वो सब एक साथ मिलकर कहता है, ठीक है। कृपया विभाजनकारी राजनीति की धर्म का प्रसार ना करें। कृपया लोगों को बीच दरार पैदा ना करें। बंगाल की सदियों से विभिन्न धर्मों का नेताओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता है, ये कभी ख़राब नहीं हो सकता है। PTI ने दक्षिण कलकत्ता में एक सामुदायिक पूजा की उद्बोधन के मौके पर कहा, शाह का उल्लेख किया बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बंगाल में विभिन्न धर्मों को लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी त्यौहार दुर्गा पूजा को मनाने के लिए एक साथ जाते हैं, विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करता है। उससे पहले दिन में कोलकाता ने NRC जागरण अभियान नामक एक कार्यक्रम में शाह ने कहा था, बंगाल में लोगों का NRC के बारे में गुमराह किया जा रहा है। मैं अभी हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन राशनार्थियों का विश्वास दिलाता हूँ कि उनके पास नहीं होगा देश छोड़ने के लिए, ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे और भारतीय नागरिक के सभी अधिकारों का आनंद लेंगे जब नागरिकता संबोधन विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि बंगाल के जो लोग हैं उन लोगों को ये डरा रहा है, ठीक है, सरकार डरा रहा है कि बंगाल में NRC का कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उनका ये मतलब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।